अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए कौन और कहाँ से? जी मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ लंदन से। जी जी फरमाइए। मुझे 4 साल से टांगों में प्रॉब्लम है, मसल कमजोर हो गई मेरी टांगों की और पाँव में भी सूजन रहते हर वक्त। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 है। अच्छा, टांगों में आपके जो है दर्द रहता है? दर्द भी रहता है, वो मसल कमजोर और मेरे जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं रोजे रख सकूं, तो मुझे बहुत दुख होता है। और मैंने अपना ख्याल भी बहुत रखा है अपनी लाइफ में, खाने पीने का, हर चीज का। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूं, ठीक है? तबस्सुम बहन, इनकी टांगों में दर्द रहता है और इनके मसल काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। देखिए टांगों, अब जब उम्र ज़्यादा हो जाए, मैंने जैसे कि जिक्र किया कि टांगों में और मसल जहां भी कमज़ोर हो जाते हैं, आप इस बात को जहन में रखें कि आप जैतून के तेल का मसाज शुरू कर दें। आप जैतून के, अगर आपकी बच्चियाँ मौजूद हैं तो बच्चियों से कहें कि आपके रोज़ाना पाबंदी के साथ 2 टाइम मसाज करें आपको। अगर आप खुद कर सकती हैं तो खुद कर लें, बेहतरीन तरीका यह है। और दूसरा, अंदरूनी तौर पर आसाब को तकवीत देने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप इंजीर का इस्तेमाल करें, और इंजीर का, और इसी तरीके से रात को ख़ास तौर पर, यानी कि सुबह उठकर आप इंजीर जो है ऐसे दूध के साथ खा लें, और रात को मेथी दाने को जो है ग्राइंड कर लें दूध के साथ, जो है मेथी दाना खाएं, सुबह इंजीर खाएं दूध के साथ, रात को जो है मेथी दाना जो है उसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके जो है 1 चम्मच जो है दूध के साथ उसे खा लें। इससे इंशाल्लाह आपके मसल्स भी बेहतर होंगे और आसाबी तकवियत भी महसूस होगी, और यहाँ तक कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगी। और दूसरा, आप अपनी थोड़ी सी चहलकदमी शुरू कर दें, वॉक शुरू कर दें रोज़ाना, कम से कम भी ख़वातीन जितनी हैं, देखें घरों के अंदर रह रहकर भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वॉक ज़रूर करें, उठना बैठना करें कम अज़ कम। ये ऐसा मसल मजबूत करने का बेहतरीन तरीका ये है, आप अपने घर में सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं रोज़ाना पाबंदी के साथ। मुश्किल तो होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे इंशाल्लाह।